अलीराजपुर जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। इश्क के चक्कर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। दिनांक 10/9/2022 को थाना सोवड़ा क्षेत्रा अंतर्गत चौकी उमराली के ग्राम बैगल गांव की है, जहां पुलिस को अनखड़ नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त लाश की शिनाख्त मृतक की पहचान वीरेंद्र पिता सरदार भिलाला ग्राम उमराली की हुई। मृतक का PMCHC सोवड़ा करवाया गया। डॉक्टर से शॉर्ट PM रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण कोई इंजरी बताई गई थी। SP मनोज सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी जिशान ने आदिवासी समाज की लड़की को धर्म परिवर्तन कराने की नीयत उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। लड़की शादीशुदा थी, जिसके कारण वो उससे मिल नहीं पाई थी। नाराज पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी जिशान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया और जिशान वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने साइबर सेल अलीराजपुर की मदद से पुलिस ने जिशान पिता सलीम कुरैशी निवासी कुक्षी को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी कविता का जिशान कुरैशी के साथ प्रेम संबंध है। आरोपी जिशान पिता सलीम कुरैशी निवासी कुक्षी कविता पति वीरेंद्र सकेल पिता सलीम तहसील निवासी कुक्षी के विरुद्ध SSC एक्ट में गिरफ्तार किया जाकर विवेचना जारी की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा। देखिए, सोलवा थाने में एक मर्ग कायम हुआ था। मर्ग पर से हम लोगों ने जांच के बाद 302 पंजीबद्ध किया। 302 की जब योजना शुरू हुई तो यह बात सामने आई कि कुक्षी का एक जिशान नाम का लड़का है, जो मृतक की पत्नी से संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद उसे प्यार के नाम पर फंसाना शुरू किया और अपने घर कुक्षी धार के अंदर जगह उसको ले गया। ले जाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन के लिए बेनमाज किया, मस्जिद में ले गया, अपने घर ले जा कर के उसके साथ गलत काम किया। और जो आरोपी जिशान है, ये ऐसा केवल उसी के साथ ही, और लड़कियों का भी नाम आया जिसके साथ इसने संपर्क स्थापित करके प्यार के नाम पर उसको परिवर्तन करने की बात कही है, जो भी हमारे योजना में है। और जब आरोपी लड़की को अपने ले उतर उधार देंगे तो वहाँ उसको संरक्षण देने के लिए 2-3 और लोगों के नाम आए हैं, जिससे घर में रख करके गलत काम किया और बेनमाज करने का प्रयास किया। सारे तथ्यों के आधार पर लव जिहाद का पहला मामला था। हमारे आदिवासी अलीराजपुर जैसा आदिवासी अंचल है, इसमें बच्चियों के साथ इस तरह से करना बहुत ही शर्मनाक और दुष्कृत्य काम है। इसकी घनता को देखते हुए हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। और लव जिहाद का ये पहला मामला है, इसमें कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, इसकी भी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी बिंदु रहेगा आगे कार्रवाई।